हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो फाइनली, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एनुअल मोड के 7 जून से स्टार्ट होने वाले, जिसकी गाइडलाइंस पहले निकाल ली जा चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। और बेसिकली अब ये देखने वाली बात यह रहेगी कि 7 जून को क्या एग्ज़ामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक का अपडेट यही है कि एग्ज़ामिनेशन होंगे। ठीक है, यह तो रही बात की बात। अब उसके बीच काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे कि सर सीट कौन सी यूज करनी है, रूल्ड या प्लेन, यानी लाइनों वाली या ब्लैंक। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे लगता है इस वीडियो को बनाने के बाद आपके जो भी मन में डाउट है वो आपके सारे समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, आपको सीट कौन सी यूज करनी है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ आपको सीट कौन सी यूज करनी है। पहली बात तो जो आप सीट यूज करोगे ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, कि एज़ पर गाइडलाइंस के हिसाब से, एज पर एस A4 साइज की आपको सीट यूज करनी है। इससे छोटी ना बड़ी होनी चाहिए, A4 साइज, यानी जो फोटोकॉपी वाली का जो साइज होता है। अब आपको सीट कौन सी यूज़ करनी है, अभी आपके सामने दो सीट मैंने डाल रखी है, एक ले ब्लैंक है, एक आपकी रूल्ड है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कौन सी सीट यूज करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, गाइडलाइंस में एक भी सीट के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ये बताया A4 साइज की सीट होनी चाहिए और क्लियर उसमें विजिबल होना चाहिए जो आप लिखोगे। तो मैं सजेस्ट करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं मैं बेस्ट क्या रहेगा, आप ब्लैंक सीट यानी प्लेन सीट को यूज करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका एक ही रीज़न है कि प्लेन एक तो बाइट होती है, दूसरा जब आप उसे स्कैन करोगे तो सारे जो आपके वर्ड है वो बिल्कुल क्लियर विजिबल होंगे, जिसकी वजह से उनको समझ में अच्छा आएगा। बाकी रूल्ड भी अच्छी है, रूल्ड मैं नहीं कह रहा, A4 साइज का 30 रुपये का पैकेट आता है, 20 पेज आते हैं, वो भी आप ले सकते हो A4 साइज में, पर इससे अच्छा प्लेन यूज करोगे तो उसका अच्छा है। पर कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर हम प्लेन वाली पे अच्छे से लिख नहीं पाते, क्योंकि कभी ऊंची कभी नीची हो जाती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ लिखने के लिए, आप एक काम करो, एक सीट ले आओ रूल्ड वाली, उसे अपने गत्ते के नीचे जिस पे आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम बोर्ड के नीचे, उसके ऊपर प्लेन वाली लगाओ, फिर आप लिख सकते हो आराम से, या प्रैक्टिस कर लो। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप प्लेन ब्लैंक सीट पे लिखोगे ना, इतना अच्छा ही आपकी राइटिंग जाएगी और इतना अच्छा विजिबल होगा कि आप सोच नहीं सकते। बाकी बॉर सीट आप यूज कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी सीट यूज कर सकते हो, मिक्स मत करना। अगर आप रूल करना चाहो रूल कर सकते हो, ब्लैंक करना चाहो ब्लैंक कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बताइए। बेसिकली मैं सजेस्ट आपको करता हूँ कि आप ब्लैंक यूज करें, बाकी आपका मन है एज इज़, एज योर विश, जो भी आपका मन करे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर आप कहो कि सर आप तो बोल लेते कि रूल्ड वाली यूज़ नहीं होती, मेरे दोस्त ने रूल्ड वाली यूज़ करी और उसको अभी पास हो गया। ठीक है, गाइडलाइंस में ओनली कहा है A4 साइज़ की सीट होनी चाहिए और विजिबल दिखना चाहिए। ठीक है, बाकी ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये हमें काफ़ी कन्फ्यूज करती है, जैसे गाइडलाइंस में मैंने बता दिया। तो मैं धीरे धीरे गाइडलाइंस के जो छोटे छोटे जो पार्ट है, जैसे कैसे लिखना चाहिए और बेसिकली क्या क्या टाइटल में डालना चाहिए और भी छोटे छोटे जो पार्ट हैं, मैं धीरे धीरे उनकी मैं वीडियो बना दूंगा और आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ एक भी स्टूडेंट कन्फ्यूज ना रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन ही एग्ज़ाम में प्रॉब्लम देती है। बाकी पेन आपको कौन सा यूज करना है, ब्लैक और ब्लू, रेड मेड का आपको कोई यूज़ नहीं करना, सजाना बिल्कुल भी नहीं है, और 786 या ओम नमः शिवाय बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पर ऐसा व्हाट्सएप पर अपने आंसर खोजते हो, वैसे टेलीग्राम पर भी आप आंसर आपको मिल जाएंगे। कौन देगा, कुछ मैं दूंगा, कुछ हमारे जो होनहार स्टूडेंट है वो सेंड करेंगे। तो हम ये चाहते हैं इस बार का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो काफ़ी अच्छा जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉलेज अपडेट्स हेल्पलाइन के नाम से, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी अगर आपको कुछ और फर्दर इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी आप मेरे से टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट जुड़ सकते हो। ओके।